हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो फैजान में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी के K60 प्रो 5G के बारे में, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.67 इंच की 2K OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड ये डिस्प्ले 12 बिट होने वाली है। एंड मैक्सिमम ब्राइटनेस की बात करें तो वो 1400 nits तक जा सकते हैं। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड LPDDR5 XRM टाइप देखने को मिल जाएगा। एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि सोनी के सेंसर के साथ आता है IMX860 में। एंड OIS भी होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होने वाली है। एंड 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद 120W के फास्ट चार्जिंग के साथ में। अगर हम इसके वेट एंड थिकनेस की बात करें, इसके की थिकनेस होने वाली 8.59 mm एंड वेट होने वाला है 205 ग्राम। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है। एंड वाईफाई 6 भी देखने को मिल जाएगा। NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके प्राइस एंड इंडिया लॉन्च डेट की बात करें, इसका प्राइस होने वाला है 39,274 रुपीज़। अगर हम इसके इंडिया लॉन्च की डेट की बात करें तो ये आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना, ताकि आपसे हमारे चैनल के ऐसे वीडियो ना छूटे। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।